स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाह नियम के अनुसार कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आधुनिक परमाणु मॉडल में हम लोग अपवाह नियम का अध्ययन करते हैं और वहां पर हम लोग ये भी सीखते हैं कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाह नियम के अनुसार कैसे किया जाता है। बच्चों यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये पूरे चैप्टर के एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा जान होता है ये, क्योंकि यदि आप किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं जानते रहेंगे तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल सही तरीके से अध्ययन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाह नियम के अनुसार कैसे किया जाता है। अपवाह नियम में हम लोग आधुनिक परमाणु मॉडल में ऑर्बिटलों का अध्ययन करते हैं, उपकोषों का अध्ययन करते हैं। उपकोष चार प्रकार के होते हैं, एक सिंपल सा हम बता दे रहे हैं, यस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। ये चार होते हैं शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूजन फंडामेंटल। उपकोष चार प्रकार के होते हैं बच्चे, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूजन फंडामेंटल एस पी डी एफ। यस उपकोष में केवल एक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को हम लोग आयत से व्यक्त करते हैं, वास्तव में ऐसा होता नहीं आयत की तरह, हम लोग व्यक्त करते हैं पढ़ने के अपने सिस्टम में, राइट। अच्छा, यस उपकोष में एक ऑर्बिटल, यही पी उपकोष में अगर बात करें तो तीन ऑर्बिटल होते हैं। डी उपकोष की बात करें तो इसमें बच्चों पांच ऑर्बिटल होते, एक दो तीन चार पांच। यही एफ उपकोष की बात करें तो इसमें सात ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेंगे, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छह सात, राइट। यस उपकोष में एक ऑर्बिटल, पी उपकोष में तीन ऑर्बिटल, डी उपकोष में पांच ऑर्बिटल और यही एफ उपकोष में अगर बात करें तो सात ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा, यस उपकोष में कुल कितने ऑर्बिटल होते हैं, सॉरी यस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी उपकोष में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये भी हुंड नियम के अनुसार भरे जाते हैं। हुंड नियम कहता है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जब एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटलों में पूर्ण हो जाते हैं तब हम लोग पुनः ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। जैसे इस प्रकार, एक दो तीन चार पांच छह, राइट। ऐसे नहीं भरेंगे, इसमें भरे तुरंत हम पुनः इसमें भर दिए, अब ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं भरते हुंड नियम के अनुसार। हुंड नियम कहता है पहले आप सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, ऐसे जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएंगे तब हम पुनः ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, एफ उपकोष के ऑर्बिटल में हम करते क्या है, पहले सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जब एक एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं तब पुनः सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, ऐसे। यस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन तो इसे हम एस टू दिखाएंगे, पी ऑर्बिटल में छह इलेक्ट्रॉन इसे हम पी सिक्स दिखाएंगे, डी ऑर्बिटल में 10 तो इसे हम डी 10 से दिखाएंगे, एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन तो इसे हम एफ 14 से दिखाएंगे। और ये भी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, जैसे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, आगे और भी है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, that's very simple। ये ऊर्जा के बच्चों बढ़ते हुए क्रम में कुछ इस प्रकार से रखे जाते हैं, ऐसे। ये बहुत सिंपल है, ये यदि आप जान गए तो आप सभी तत्वों का बहुत ही सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अपवाह नियम के अनुसार। यहां पे आप हेडिंग डालिएगा अपवाह नियम के अनुसार,
आफ बाउ नियमानुसार, आफ बाउ नियमानुसार राइट। अब हम लोग करते क्या है, जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, जैसे हमने लिखा वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी फोर फाइव तो ये ध्यान रखना है। तो ये यस ऑर्बिटल है तो इसमें हम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन भर देंगे। यस ऑर्बिटल है दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बच्चों यस ऑर्बिटल की जो क्षमता होती है पावर होती है वो दो इलेक्ट्रॉन रखने की ही पावर होती है, इससे अधिक नहीं होती। पी ऑर्बिटल में हम छह रख देंगे, फिर यस में दो रख देंगे, पी में छह रख देंगे, यस में दो रख देंगे, डी में दस रख देंगे, यफ होगा तो 14 रख देंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग जानते हैं अगर कोई तत्व दिया हो बच्चों तो इन सभी का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं राइट। चलिए पहले हम लोग कुछ तत्वों की जानेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। पहले हम 10 एलिमेंट्स के जानेंगे अभाव नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 1s1, हीलियम की बात करें तो 1s2, लिथियम की 1s2 और 2s1। अभी हमने क्या बताया 1s2s राइट, 1s2 2s1। अभी हम इसमें तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक कि दो ना हो जाए, फिर 1s 2s राइट। अब इसके बाद क्या आएगा, वहां पे आप देख सकते हैं जो आप स्क्रीनशॉट लिए हैं 1s 2s। अब इसके बाद क्या आता है 1s 2s 2p 2p आएगा, 2p मतलब 2p1, पांच हुए पूरे इलेक्ट्रॉन 2 4 8 5, 1s 2s 2p2। तब तक भरते रहेंगे p ऑर्बिटल में बच्चों जब तक कि पूरे के पूरे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 6 हो जाए। चलिए भरते रहिए 1s 2s 2p3, 1s 2s 2p4, 1s 2s 2p5, 1s 2s 2p6। दैट्स वेरी सिंपल, कुछ है नहीं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे नियान के आगे वाला, नियान के बाद आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। चलिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। 1s 2s 2p 3s1, 1s 2s 2p 3s2। अब आगे वाला आ जाएगा, यस पूरा हो गया, 1s 2s 2p 3s 3p1। हमने यहां 6 लिख दिया तो हटा देते हैं, 1 कर देते हैं, 3p1। पुनः वैसे ही रूल है बच्चों, अब इसमें हम पी ऑर्बिटल तब तक भरेंगे जब तक कि 6 हो जाए, 1s 2s 2p 3s 3p2, 1s 2s 2p 3s 3p3, 1s 2s 2p 3s 3p4, 1s 2s 2p 3s 3p5, 1s 2s 2p 3s 3p6।
राइट। अब इसके बाद हमने पोटेशियम कैल्शियम 1s 2s 2p 3s 3p, अब इसके बाद आएगा 4s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 2। अच्छा बच्चों, जब हम लोग जानते हैं अब बोरबरी नियम के अनुसार, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं तो जरा ध्यान दीजिए वहां पर हम लोग क्या सीखते हैं। जैसे हमें कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो बोरबरी नियमानुसार, तो इसका देखिए कैसे करते हैं, 2 8 8 2। अब यहां जरा रूल देखिए, इसके बाद हम जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, वहां भी आपको मिलेगा बोरबरी नियमानुसार। बोरबरी नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है वहां पे आप समझेंगे, तो वही हम रूल को समझा रहे हैं। पहले कोर्स में हम तब तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं जब तक कि 2 इलेक्ट्रॉन न हो जाए, ये आप भर दिए चलिए। दूसरे कोर्स में तब तक भरेंगे जब तक कि 8 इलेक्ट्रॉन न हो जाए, ये भी भर दिए। तीसरे कोर्स में हमें तब तक भरना है जब तक कि 18 न हो जाए, लेकिन रूल क्या कहता है, तीसरे में हम तब तक भरेंगे जब तक कि 8 न हो जाए। जैसे ही तीसरे में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएंगे तो सीधे हम आएंगे चौथे कोर्स में प्रवेश करेंगे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण पूरित करेंगे, तो पुनः हम तीसरे में तब तक भरेंगे जब तक कि 18 न हो जाए। अब ये आपको फॉर एग्जाम्पल देखने को मिलेगा यहां पर, ये देखिए। अब ये बताइए 3p के बाद 3d आना चाहिए, बट 3d नहीं आया, हम क्या किए, 4s वाला पहले ले लिए, इसमें अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब हम जाएंगे 3d में भरना शुरू करेंगे, राइट। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इसके आगे का 3s 3p 4s, इसके बाद क्या आता है जो हमने रूल बताया था, 3d 1। आप बुक में देखते हैं 3d को पहले लिखता है 4s को बाद में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो आपको यही रूल के अनुसार लिखना होगा। इसका यदि रूल का नियम निकालना चाहते हो, जानना चाहते हो, वो है n प्लस l रूल। n क्या है, कोशिक संख्या, l क्या है, कोशिक संख्या। तो जरा हम लोग यहां मालूम करते हैं, यहां कोश कितना है, 4 है, यस उपकोश के लिए यल का मान 0 रखते हैं तो 4 आया, इसके लिए ध्यान दीजिए 3 है, डी के लिए यल का मान क्या रखते हैं, 2, क्या आएगा, 5 आएगा, राइट। इस प्रकार से हम लोग ऊर्जा को बढ़ते हुए क्रम में ऐसे रखते हैं। अब इसके बाद आप टाइटेनियम का करिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 3 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4 राइट। अब इसका करते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 5। अच्छा यहां पर ध्यान दीजिए, क्रोमियम अपवाद है, अभी हम इस पे फोकस करेंगे, अभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते जाइए। आयरन की बात करें तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 6 कोबाल्ट 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 7 निकिल 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 8 राइट। 1s
2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d9, ये भी अपवाद है, अभी हम इस पे फोकस करेंगे। 1s, 2s, 2p, 4s, 1s, 2s, 2p, 3s, सॉरी यहां पे 3s होना चाहिए, 3s, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d10। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। यहां पे हमें बच्चों दो चीजों फोकस करना जो कि अपवाद है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमियम और कॉपर पर। अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम दो चीजों को बाहर करते हैं, 4s2 और यहां लिखते हैं हम 3d4, या सार उपकोष में 1 ऑर्बिटल और डी में 5 ऑर्बिटल ऐसे लिखते हैं। ये कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब ये हमें ध्यान देना है, कोई भी ऑर्बिटल आधे तथा पूरे भरे ऑर्बिटल से अधूरे भरे ऑर्बिटलों से अधिक स्थायी होते हैं। जैसे यहां पे हमने 3 ऑर्बिटल बनाया, ये आधा भरा है, ये पूरा भरा हुआ है और ये अधूरा भरा है। ये बात समझ में आ रही है, कैसा भरा है, अधूरा भरा है। ये दोनों बच्चों ध्यान दीजिए, ये दोनों अत्यधिक स्टेबल होते हैं। कोई भी ऑर्बिटल 2 स्टेट प्राप्त करना चाहता है, या फिर आधे में हो या फिर पूरे में हो, बट अधूरे में ना हो। अधूरे मतलब ये। अच्छा, अगर ऊपर वाला ऑर्बिटल सपोज मान लीजिए इस प्रकार से होता ऐसे, तो ये इससे अपना क्या करता, थोड़ा इससे दोस्ती करता, कहता भाई साहब ऐसा करिए, आपके पास एक कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, आप 1 इलेक्ट्रॉन हमें दे दीजिए, आप भी आधे हो जाइए, हम भी आधे हो जाए। ये क्या करता, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता ऐसे, ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन लिया, अब यहां से 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, ये भी आधा ये भी आधा, दोनों संतुष्ट। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, अधूरा है, ये पूरा है। डी आता है यश के पास, कहता भाई साहब हमारी आपकी दोस्ती तभी बनेगी जब आप हमारा कहा मानेंगे, वैसे भी आप हमारे पड़ोसी हमारे बगल में है, जैसे हम करें वैसे करो, नहीं फिर कोई कुछ बोलेगा तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, राइट। कहता ठीक है, बताओ क्या बात है। ये डी कहता है यश से, भाई साहब ऐसा करो, आप 1 इलेक्ट्रॉन हमें दे दीजिए, हम अधूरे हैं आप पूरे हैं, हम भी आधे हो जाए आप भी आधे हो जाए। यश कुछ देर तक सोचता, कहता अच्छा ठीक है ले लीजिए। तो यश क्या करता है बच्चों, अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है किसे, डी को, ऐसे दे दिया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए, यहां हो गया 4s1 और यहां पर हो गया 3d5। यहां कर दीजिए आप 4s1 और यहां कर दीजिए आप 3d5। उसी प्रकार से हम कॉपर में देखेंगे, यहां देखिए यहां कितने होने चाहिए 10, लेकिन है कितना 9, एक इससे लेता है उधार, तो ये कितना हो गया 10 और इसके पास कितना हो गया 1, ये आधा हो गया और ये पूरा हो गया। अभी ये अधूरा था ये पूरा था, हमने क्या कहा, या फिर पूरे की स्थिति प्राप्त करेंगे, अगर पूरे की स्थिति नहीं प्राप्त कर पाते कोई ऑर्बिटल तो आधे की स्थिति प्राप्त करते हैं, बट अधूरे की स्थिति प्राप्त नहीं करना चाहते। तो ये था आवभाव के अनुसार तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, बहुत ही सिंपल है, हम लोग सीख पाए। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।